अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है ना तो आपको पता होगा कि जीरो लाइफस्टाइल ने अपनी प्लैटिनम सीरीज में दो स्मार्ट वॉचेस लॉन्च की हैं। एक का नाम वॉग है जो कि आप पिछले देख चुके हो और दूसरी का नाम है रॉयल स्मार्ट वॉच। और ये स्मार्ट वॉचेस भी प्रीमियम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड देखने को मिले, जैसे कि आपको इसमें डिस्प्ले, इसमें प्रोसेसर, इसमें स्टोरेज और लाइव वॉलपेपर बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले करते हैं इस स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आपको आपकी यहाँ पर वॉच देखने को मिलती है जो कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ देखने के लिए आखिर ये स्मार्ट वॉच कैसी है। साथ में आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है जो कि एक साल का वारंटी कार्ड अगर आपको कोई मसला आता है, जो कि आता नहीं है। वैसे मैं इनकी स्मार्ट वॉच काफी देर से यूज कर रहा हूँ और पानी वानी भी चला जाता तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे आज तक। तो साथ में आपको एक फीचर बुक दी गई है, एक आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलती है, चार्जिंग केबल आपको दी गई जो कि मैग्नेटिक है और इजीली ये स्नैप हो गए, क्विकली चार्ज हो जाती है आपकी स्मार्ट वॉच। एक आपको एडजस्टिंग टूल दिया गया और आपको साथ में एक मेटल स्ट्रैप भी दिया गया जो कि आप इस पे लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप जब देखोगे तो ये आपको मेटल की बॉडी में काफी सॉलिड देखने को मिलती है और ये टाइटेनियम टाइप कोई मटेरियल देखने को मिलता है, काफी लाइट वेट देखने को मिलती है और साथ में स्ट्रैप भी सिलिकन है तो इस वजह से भी शायद ये लाइट वेट है। अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो आपको 3 पुशर बटन के साथ में मिलती है। सबसे ऊपर वाला बटन दबाओगे तो आपको मेन मेनू देखने को मिलता है। सेंटर वाला जो क्राउन बटन है इसको दबाओगे तो ये वापस से रिवर्स आ जाता है, मतलब बैक के काम आता है और लॉक के काम आता है। और जो ये क्राउन है ये वर्किंग है, इसके साथ आप अपने जो वॉच फेस चेंज कर सकते हो मेन्यू में, इसको आगे पीछे करने के लिए मेन्यू में भी इसको यूज कर सकते हो। और तीसरा जो नीचे वाला बटन है ये स्पोर्ट्स पे ले जाता है, अगर आप क्विकली अपने स्पोर्ट्स मोड को एक्टिव करना चाहते हो तो इस बटन को पुश करो और इसमें कोई भी स्पोर्ट मोड आप चूज कर सकते हो। बॉटम पे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक माइक दिया गया है, साथ में चार्जिंग पोर्ट दी गई है और नीचे आपको एक स्पीकर भी देखने को मिलता है। सबसे पहले इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.43 इंच का राउंड शेप डायल में अल्ट्रा विजन एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है जो कि 20% ज्यादा कलर गैमर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये स्मार्ट वॉच आपको ज्यादा बेटर कलर्स और काफी अच्छी शार्पनेस प्रोवाइड करती है। दूसरा, इस स्मार्ट वॉच में जियोन प्रोसेसर आता है जो कि पाकिस्तान में अभी तक किसी भी और स्मार्ट वॉच में नहीं देखा मैंने और ये जियोन प्रोसेसर बाकी स्मार्ट वॉचेस से 30% ज्यादा फास्ट है। तीसरा, इस स्मार्ट वॉच में जियोन प्रोसेसर की वजह से आप इसमें लाइव वॉलपेपर भी लगा सकते हो। अब इतना तगड़ा प्रोसेसर दिया गया कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना है ना। ये वाला जो लाइव वॉलपेपर है ना इसमें आपको बबल्स देखने को मिलते हैं, वेले बैठ के बबल फोड़ सकते हो और जब ये सारे बबल फूट जाते हैं तो ये वापस से दोबारा आ जाते हैं। वेले बैठ के ये आप काम कर सकते हो। और दो ऐसे वॉलपेपर है जो कि लाइव में काफी कूल आपको एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। एक ये येलो वाला है, इसमें ये कोई जानवर सा बना हुआ है, इसका नाम नहीं मुझे पता लेकिन इस पर जब टैप करता हूँ तो ये रोर करता है, मतलब ये बोल रहा है वाह वाह। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। साथ में अगर दूसरा वॉलपेपर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक फिश दी गई है जो कि आप जब इस पर टैप करते हो तो फिश दोबारा से घूम के ऊपर चली जाती है और ये स्लोली स्लोली जाती है, जब ऊपर चली जाती है तो ऊपर से फिर वापस आ जाती है। यार देखने में ये चीज़ मुझे बहुत ही कूल लगी और ये सही यूटिलाइजेशन है इस जियोन प्रोसेसर की। चौथी, इस प्रोसेसर की वजह से इसमें हैप्टिक्स काफी तगड़े हो गए हैं। पांचवा और लास्ट फीचर, इस स्मार्ट वॉच में जो आपको UI दिया गया ना वो भी जियोन की तरफ से आते हैं और इस UI को जियोन UI कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आप फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर मैसेजेस देखने को मिलते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर एनिमेशन देखो बस, आप एक्टिविटी देखने को मिलता है, हार्ट रेट मोनिटर है, स्लीप मोनिटर है और ब्लड प्रेशर, यहाँ पर भी एनिमेशन काफी कूल है। SPO2 सेंसर है, अगर वेदर देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, म्यूजिक प्लेयर आता है और फोन कॉल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब इस ऊपर वाले बटन को दबाऊंगा, यहाँ पर आपको मेन मेन्यू आता है और मेन मेन्यू की एनिमेशन काफी कूल देखने को मिलती है। जब आप इसकी सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पर आपको जो आइकन दिए गए ना वो भी बहुत ही कूल है, हर आइकन का कलर डिफरेंट है जिसकी वजह से ये काफी कूल दिखती है। सबसे पहले डिस्प्ले का ऑप्शन है जिसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन दिया गया, जिसमें दो आते हैं, एक आता है एनालॉग एक आता है डिजिटल। एनालॉग वाला मुझे काफी कूल लगा, वो काफी अच्छा लगता है, वो उसको आप टर्न ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हो। और दूसरा, इसमें राइस्टो अवे का भी ऑप्शन आता है जो कि आप रिस्ट को अपने ऊपर करके से टाइम देखते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है आपका डिस्प्ले। अब इस स्मार्ट वॉच में एक और भी फीचर बहुत तगड़ा दिए गए, वो ड्रेन का, क्योंकि ये IPX7 की रेटिंग के साथ में आती है, वाटर प्रूफ है, लेकिन अगर वॉच में अगर पानी चला जाता है ना इसके स्पीकर में तो आपको आवाज सही से नहीं आ रही, तो ये ड्रेन वाला बटन इसको प्रेस करोगे
तो ये वाइब्रेशन करके ना, ये एक तरीका होता है जो कि आईफोन में भी होता है, इसको वाइब्रेशन करके पानी बाहर निकाल देता है, तो आपकी स्मार्ट वॉच सही हो जाएगी। मतलब पानी तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन स्पीकर में तो आ जाएगा ना, स्पीकर तो खुला है ना, लेकिन वो भी वाटर प्रूफ है, टेंशन नहीं लेनी। पानी वॉच के अंदर नहीं जाएगा, स्पीकर तक ही रहेगा, ये स्पीकर को साफ भी कर देगा। अब स्मार्ट वॉच की जो बैटरी लाइफ है ना, वो पहले से काफी इंप्रूव्ड है जीओन प्रोसेसर की वजह से। अब आप भी सोच रहे हो सब कुछ जीओन प्रोसेसर की वजह से, तो जी हाँ भाई, किसी भी मोबाइल फोन या वॉच को जो चीज कंट्रोल करती है ना, वो उसकी प्रोसेसर है। अगर वो कितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी ज्यादा पावर लॉस कम होगी और उतनी ज्यादा आपको बैटरी लाइफ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो 15 से 20 दिन का आपको बैटरी बैकअप इसमें लाजमी देखने को मिलेगा। फाइनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना इनके प्लाटिनियम सीरीज पे, तो ये दोनों स्मार्ट वॉचेज मैंने यूज की हैं, और मैंने अपनी लाइफ में मतलब इतनी प्रीमियम स्मार्ट वॉचेज कभी भी यूज नहीं की। इनका यूआई, इनका डिस्प्ले, इनकी बिल्ड क्वालिटी, भाई सब कुछ टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।